कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने की है, लेकिन इस यात्रा को लेकर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। सियासत की वजह है कमलनाथ का यात्रा के शुरुआत में शामिल नहीं होना। कमलनाथ ने एक दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखकर यात्रा के शुरुआत में शामिल न होने की बात कही थी, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को लपेटे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कमलनाथ को लेकर चुटकी ली है। अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी ना किसी विषय पर रहा है। जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कहने के बाद नहीं मांगी थी। वो इसी तरह से इस यात्रा से परहेज कर रहे होंगे जैसा आप कह रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच 36 का आंकड़ा है। हालांकि इस ट्वीट पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी हुआ। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने हितेश वाजपेयी को जवाब देते हुए लिखा कि बीजेपी का काम तो सिर्फ झूठ फैलाना है, 36 का आंकड़ा तो मामाजी और वर्तमान बीजेपी नेतृत्व के मध्य है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ ही कई दूसरे नेता कन्याकुमारी पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि उम्मीद है कि जब कांग्रेस की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी तो कमलनाथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।